कांग्रेस कार्यालय में गहमा गहमी वाली अनुशासन समिति की बैठक है, जहां कुल 150 शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। इस बैठक में 79 बागियों के भविष्य का फैसला भी किया जाएगा। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अनुशासन समिति की बैठक होने जा रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश से लगभग 150 शिकायतें अनुशासन समिति को मिली हैं। गहन चिंतन और आपसी बातचीत इस बारे में की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। 79 लोग जो बागी हुए थे, उन लोगों के नाम पर मोहर लगा दी गई है। इस सारे मामले में कल बैठक के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। देखिए, लगभग पूरे प्रदेश से 150 शिकायतें लगभग मोटे तौर पे अनुशासन समिति को प्राप्त हुई थी, जिन पे पिछले 3 दिनों में गहन अध्ययन और आपसी चर्चा के बाद तमाम सारे नोट्स बने हैं। निष्कर्ष अभी निकाला नहीं गया है। इतना जरूर हुआ है कि लगभग 79 लोगों को, जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद, बागी बोलने उनकी मदद जिन लोगों ने की थी, इस चुनाव में उन 79 लोगों के निष्कासन पे हमने मोहर लगा दी है। बाकी के लोगों को हमने शोकाज नोटिस इशू हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए। यदि शिकायत के आधार पर उनका जवाब नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो गंभीर शिकायतें हैं इस बीच में हम लोग और अवलोकन करके जो निष्कासन के योग्य हैं, 10 दिन बाद जब हम बैठक करेंगे तो कुछ उन शिकायतों पर भी हम बड़ा निर्णय लेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।